कोविड-19 के बाद चीन में एक नए रहस्यमय वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं कोरोना जैसी महामारी तो नहीं जो फिर से कहीं तबाही ना मचा दे। दरअसल बच्चों में फैल रहे इस वायरस को निमोनिया बताया जा रहा है। कोरोना से सबक सीखते हुए भारत इस वायरस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा कई एडवाइजरी भी जारी कर चुका है। दरअसल जानकारों की माने तो चीन को बीमारी छुपाने की आदत है। ऐसे में चीन ने WHO को जो जानकारी दी है उसकी माने तो तीव्र सांस संबंधित बीमारियों में वृद्धि कई प्रकार के रोग जनकों मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा के प्रसार से जुड़ी हुई है। फिलहाल इस बीमारी की ज्यादा जानकारी चीन की ओर से नहीं जारी की गई है। ऐसे में WHO ने इस प्रकोप के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए बीजिंग से अपील की है। वहीं बात अगर भारत की करें तो भारत सरकार की ओर से मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी राज्यों को अस्पतालों को तैयार रखने की बात कही गई है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय चीनी बच्चों में सांस की बीमारी पर बारीकी से नजर बनाए। इन्फ्लुएंजा के मामलों में सर्दियों के मौसम को देखते हुए मिनिस्ट्री ने अलर्ट रहने की बात कही है। मंत्रालय ने राज्यों से अस्पताल की तैयारियों जैसे कि बेड, इन्फ्लुएंजा की दवाइयां और टीके, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिकल, PPE आदि की जांच करने के लिए कहा है। उधर तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने चीनी निमोनिया को लेकर राज्य की तैयारियों के बारे में जानकारी दी और बताया कि स्वास्थ्य विभाग बच्चों के होने वाले बुखार की सावधानी से जांच कर रहा है। तमिलनाडु के अलावा गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड और राजस्थान की ओर से भी इस नए वायरस पर निगरानी रखने की बात कही गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए